प्याज और टमाटर की कीमतों में 2023 के दौरान काफी बढ़ोतरी देखी गई। इस वजह से सरकार की महंगाई काबू में रखने की रणनीति पर कई बार सवाल उठे। हालांकि साल के आखिर में मुद्रा स्फीति कम हो गई और जानकारों ने कहा कि दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में ये निचले स्तर पर रही। We saw inflation coming down under control, sometimes in and out of the RBI defined parameters, but most of the time under control. And as the year 2023 progressed, we found inflation coming down more. Obviously, during the time of monsoon and inclement weather, we saw a sudden spike in food grain prices or food items. But then as the weather settled down, even they came under control. सरकार ने रिजर्व बैंक को यह तय करने के लिए कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति 4% पर रहे, जिसमें दोनों तरफ 2% का मार्जिन हो। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% दर्ज की गई थी, फरवरी में ये थोड़ी कम होकर 6.44% पर आ गई। जुलाई में मुद्रा स्फीति 7.44% दर्ज की गई और अगस्त में ये थोड़ी कम होकर 6.83% पर आ गई। तब से ये गिरावट की ओर है। In 2024, I expect, what my expectation is that perhaps retail inflation may stay between 4.5% to 5%. Because already we have seen the impact of major geopolitical issues like Russia-Ukraine war, Israel Hamas also, whatever little impact it could have, we have already seen. जानकारों के मुताबिक वैश्विक और घरेलू दोनों वजहों से साल के आखिर में मुद्रा स्फीति कम हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भी मुद्रा स्फीति कम हुई और चीन में भी ये एक तय स्तर तक रही। मध्य पूर्व में इसराइल हमास संघर्ष के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी मुद्रा स्फीति को नरम रखने में मदद की। जानकारों ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध और इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की नीतियों और सप्लाई की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों से भी घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने में मदद मिली। So I think inflation, as per my analysis, may not be in a perfect situation, but is very much under control. And we saw the same situation across the world as well. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कहा कि अस्थिर और अनिश्चित खाद्य कीमतों की वजह से समग्र मुद्रा स्फीति परिदृश्य धूमिल होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि सब्जियों की कीमतें फिर से बढ़ने से खाद्य और मुख्य मुद्रा स्फीति बढ़ने का अनुमान है। उम्मीद है कि RBI 2024 में मुद्रा स्फीति को काबू में रखने के लिए नीतिगत दरों पर कड़ी निगरानी बनाए रखेगा।